तो हेलो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सोगा वीपीएन ऐप के बारे में। तो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हो सोगा वीपीएन ऐप के बारे में, तो आपको प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आता है। यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है, फिर आपके सामने ये ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका इसका लोगो वगैरह देख सकते हो, और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको टाइम मिलता है, यहाँ पर इसकी सेटिंग्स मिलती है, यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग एम बी चेक करने का ऑप्शन मिल जाए, यहाँ पर आपको सर्वर मिलती है, यहाँ पर आपको नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ मतलब वीपीएन कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपको वीडियो सर्वर देख सकते हो और गेम सर्वर देख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर वीपीएन कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा वीपीएन है जो कनेक्ट हो जाएगा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो वीपीएन कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको कनेक्शन रिपोर्ट देख सकते हो, यहाँ पर आपको सारे सर्वर वगैरह आईपी एड्रेस वगैरह ऐसे आप चेक कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का आपको ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग एमबी और अपलोडिंग एमबी की स्पीड यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो वीपीएन कनेक्ट हो चुका है और कनेक्टेड का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। फिर से आपको इसमें वीपीएन को डिसकनेक्ट करना, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा और इस पर क्लिक करके आप वीपीएन को फिर से डिसकनेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्लिक करके वीपीएन को फिर से डिसकनेक्ट कर देते हैं, तो वीपीएन है जो डिसकनेक्ट हो चुका है। वहाँ पर देख सकते हो सर्वर टाइम और यहाँ पर आपको डेटा है जो मिलता है, ठीक है। तो गाइस, इस तरह से आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं सोगा वीपीएन ऐप को। तो आपको हमारा ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना।